पापा आप लग रहा हम खेल नहीं पाएंगे, तो मैं बोला बेटा मैं एक बाप हूँ, मैंने अभी ये तक हार नहीं मानी है, तो आप कैसे हार मान सकते हो। फिर उसी के बाद उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके बाद से फिर वो ग्राउंड के अलावा और उसके अलावा कभी कुछ नहीं, बस केवल ग्राउंड में ही वो अपना समय बिताने लगे। क्योंकि दो बच्चों की किट सर लेना था तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था सर, गया निकलवाया, फिर उसमें ज़्यादा पैसा हुआ तो मैंने कहा भैया ये कम कर दो, तो बोला नहीं औकात है, तो क्यों चले आए दुकान पे। और मुझे बहुत फील महसूस हुआ उस समय। ये तस्वीर झांसी पुलिस के हेड कांस्टेबल श्याम नाथ सिंह की है। अपनी वर्दी में मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए श्याम नाथ सिंह, इस बार अपने बेटे की सफलता पर भावुक हो रहे हैं। कारण एक वाकया है जिसका जवाब वो बरसों से नहीं दे पाए थे। श्याम नाथ सिंह का एक वक्त ऐसा था जब वो अपने बेटे के लिए क्रिकेट की किट खरीदने गए थे और उनके पास पैसे नहीं थे। इस रोज दुकानदार ने उनसे कहा था कि अगर किट खरीदने की औकात नहीं तो दुकान पर क्यों चले आए। क्योंकि दो बच्चों की किट सर लेना था तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था सर, फिर भी मैंने कहा चलो एक से ही ले लेंगे, एक से, उसमें सर बहुत महंगे महंगे सामान आते, तो मैं गया निकलवाया, फिर उसमें ज़्यादा पैसा हुआ तो मैंने कहा भैया ये कम कर दो, तो बोला नहीं औकात है, तो क्यों चले आए दुकान पर। और मुझे बहुत फील महसूस हुआ उस समय, लेकिन ठीक है अब हम नहीं थे उस लायक, तो हम उसमें कुछ कह भी नहीं सकते थे कि हाँ, फिर भी हमें जो कुछ ले पाए हम उसको लिए। धीरे धीरे कभी किसी महीने में कुछ ले देते थे, कभी किसी महीने में कुछ ले देते थे उनको, कभी हम पूरा उसको अपने उससे पूरी किट नहीं खरीद के दे पाए हम उनको। आज श्याम नाथ को कहीं इस बात का जवाब उनके बेटे ने दिया है जो शामिल हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में, उस टीम के साथ जिसमें कभी सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खेल चुके हैं। मुंबई इंडियंस में सिलेक्ट हुए कार्तिकेय सिंह श्यामनाथ सिंह के बेटे हैं। कार्तिकेय को मुंबई इंडियन के टॉप 11 में जगह मिली है। श्यामनाथ इसी से खुश हैं और इस बार झांसी के तमाम बड़े अफसरों ने उन्हें बेटे की इस सफलता पर दाद दी है। मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले कांस्टेबल श्यामनाथ सिंह शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं। बेटे कार्तिकेय को खेल की ओर जाने की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली। घरेलू क्रिकेट में कार्तिकेय मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी मोहम्मद अरशद खान के चोटिल होने पर उनकी जगह शामिल किया गया। खुशी हमको बहुत है, हमारे पुलिस परिवार का बच्चा IPL में सिलेक्शन हुआ सर, मुझे बहुत खुशी है। और खुशी मुझे असली तब होगी जब इंडिया टीम की वो जैकेट पहनेगा, इंडिया टीम में सिलेक्ट होगा, उस समय हमारी खुशी, जो हमारा लक्ष्य था, जो हम अपने बेटे से उम्मीद करते हैं, तब हमारा वो लक्ष्य पूरा होगा। फिलहाल अभी तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कैसे पता लगा आपको कि आपके बेटे का सिलेक्टर हुआ है? सर बेटे ने कॉल करके मुझे जो है बताया, फोटो भेजा, उसके माध्यम से सर मुझे पता चला। आज कप्तान साहब ने आपको बुलाया था जी, क्या बातचीत हुई, कप्तान साहब ने क्या कहा और अन्य अफसरों ने क्या कहा? सर बधाई दी। किस किस से बात हुई अभी? कप्तान साहब से सर, और CO सर टहरौली और गरौठा सर मैम ने भी किया, बाकी आपके स्टाफ के सर पूरा स्टाफ हमारा ऑफिशियल स्टाफ और भी जो लोग जिनको पता चलता गया, सभी लोग जितने लोग हमसे मिले सभी लोगों ने सर बधाई दी। आप भी स्पोर्ट्समैन हैं? जी सर, मैं सर UP पुलिस तक मैं खेला हूँ और शूटिंग का मैं इंडिया पार्टिसिपेट भी किया हूँ, रिजर्व के रूप में था मैं। जी सर, बच्चे को आपसे प्रेरणा नहीं मिल गई खेल में जाने की? सर कुछ ना कुछ तो सर मैं स्पोर्ट उसके सामने करता था तो उसको शौक तो लगता ही था कि हाँ हम भी स्पोर्ट में जाएं। और बचपन से क्या उसकी एक्टिविटीज रही हैं, क्या देखा आपने, क्या फिर आपने उसको मशवरा दिया? सर मैं पढ़ाई उढ़ाई की जब भी जैसे पढ़ता था, पढ़ने में भी अच्छा था वो, उस समय बहुत अच्छा था, लेकिन उसका खेल पे ज़्यादा मैंने देखा कि रुचि ले रहा है, तो फिर मैंने खेल के ही उस पर उसको फोकस किया कि नहीं खेल ही खेलो, फिर जब कोई ना कोई काम करना है इसमें। सर मेरे परिवार और मेरे बहुत सारे ससुराल पक्षी के लोग भी काफ़ी मतलब मुझसे वो करने लगे थे कि बच्चे की आपने ज़िंदगी भविष्य बर्बाद कर दिया, लंबा चौड़ा था, इसको पुलिस में भर्ती कराना चाहिए था। लेकिन सर मैं सोचता था कि दो लड़के हैं, अगर नहीं भी कहीं सक्सेस हुए हम तो फिर इतना तो है कि नमक रोटी हम लोग खा लेंगे, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करके खा लेंगे। लेकिन हमने अपने लक्ष्य को जो उसको मैंने दिया था, जिस लक्ष्य को कि ये काम आपको करना है, वो पीछे नहीं हटा, हम भी पीछे नहीं हटे। बहुत सारी इसमें बाधाएं भी आई जिसमें मुझे
थोड़ा सा गरीबी परिवार से मैं हूँ, तो मतलब हर चीज़ उसको नहीं पूरा कर पाता था, फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। एक आध बार उनके मुंह से निकला कि पापा अब लग रहा हम खेल नहीं पाएंगे, तो मैं बोला बेटा मैं एक बाप हूँ, मैंने अभी ये तक हार नहीं मानी है, तो आप कैसे हार मान सकते हो। फिर उसी के बाद उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके बाद से फिर वो ग्राउंड के अलावा और एक उसके अलावा कभी कुछ नहीं, बस केवल ग्राउंड में ही वो अपना समय बिताने लगे। और आज जो आप लोग देख रहे हैं जो है, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही खुशी हुई। श्यामनाथ शनिवार को पुलिस लाइन में मीडिया से बात करते हुए भावुक हो उठे, कहा कि एक वक्त वो अपने बेटे के लिए क्रिकेट की किट नहीं खरीद पाए, लेकिन अब सपना है कि बेटा इंडियन क्रिकेट टीम में तिरंगा लिए मैदान में उतरे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।